अभी देखिए आगे का सिचुएशन, सेकंड गियर में मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। अब जब अप शिफ्ट करना होगा, गियर शिफ्टिंग क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। मैं ऐसा नहीं है कि ओपन स्पेस है तो मैं थर्ड गियर लगा लूँगा या फोर्थ गियर लगा लूँगा, बट हमारी कार की स्पीड अगर उस लोकेशन पे वैसी होगी, जैसे अभी मेरे को थर्ड गियर लगाना पड़ा क्योंकि 30 प्लस की स्पीड आ गई थी, 2000 आरपीएम की कार थी मेरी। तो इस पे मैंने लास्ट वीडियो जो की थी गियर शिफ्टिंग कितने स्पीड में कब कैसे करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब ट्रैफिक में कर रहा हूँ वही चीज़, ट्रैफिक में किस तरह से हमें कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार। अभी यहाँ से ये बस अगर राइट लेगी, हमें राइट टर्न लेना है, तो बस के पीछे हमने लगा लिया है, इंडिकेटर दे देते हैं हमें राइट टर्न जाने के लिए। तो जैसा ही कि अभी आप देख रहे हैं सिग्नल ग्रीन हुआ है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है सिग्नल ग्रीन हो गया, आगे की मूवमेंट होगी तो मैं कार बढ़ाऊँगा। अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ, जैसे ही मूवमेंट, ये देखिए अभी भी मैं सेकंड गियर नहीं लगाया है, जैसे ही मुझे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा रोड तब मैं सेकंड गियर अप्लाई करूंगा, नहीं तो ये देखिए फिर से स्टॉप करना पड़ा। मैंने ब्रेक और क्लच दोनों साथ में अप्लाई किया है, सिग्नल रेड हो गया है तो मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन अराइज वैसे ही होती है फ्रेंड्स की जब हम ट्रैफिक में होते हैं, या सिचुएशन हमें अकॉर्डिंगली ध्यान देना पड़ता है। अभी सिग्नल ग्रीन की तरफ हो, ग्रीन सिग्नल हो गया राइट साइड का फ्रेंड्स। अभी देखिए अब कार को मूव कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है, टू व्हीलर है मेरा आगे, तो अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं आगे टू व्हीलर की स्पीड के अकॉर्डिंग। आप गियर शिफ्टिंग देखे होंगे, सेकंड गियर से मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे मेरी कार की स्पीड इंक्रीज हुई हमें अप शिफ्ट करते रहना पड़ रहा है, और जैसे ही मुझे लगेगा डाउन शिफ्ट करने की नीड है। अभी मैं थर्ड गियर में देखिए आप, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो टू व्हीलर चल रहा है उसने बीच में चल रहा है वो स्पेस नहीं दिए रखा है उसने। अब मैं क्या है हल्की सी हॉर्न लगाते हुए, लेकिन मैं अब स्पीड जो है 50 प्लस की स्पीड आई है, आगे सिग्नल है तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। स्टॉप की मैंने कार, ये ब्रेक अप्लाई की, कार स्टॉप हो गई, क्लच प्रेस करके मैं फर्स्ट गियर अप्लाई कर लूँगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं स्पीड इंक्रीज़ किया हूँ, मेरे को सिग्नल मिला, तो मैंने क्लच प्रेस नहीं किया पहले, गियर डाउन शिफ्ट भी नहीं किया पहले, ना ही क्लच प्रेस किया, पहले मैंने कार की स्पीड डाउन की, उस गियर के अकॉर्डिंग लाऊंगा, फिर मैं गियर जो थर्ड गियर से सेकंड गियर या फर्स्ट गियर करूंगा। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है, हम कार को आगे मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। मेरे आगे जो दो बाइक खड़ी थी, एक मूव हो गई, सेकेंड स्टार्ट नहीं हो पा रही थी उनसे, तो मेरे को साइड में जगह थी, मैंने लेके कार निकाल लिया हूँ। आपने नोटिस किया होगा सेकेंड गियर शिफ्ट किया फटाफट, थर्ड गियर भी अप्लाई कर लिया मैंने, फोर्थ गियर अभी यहाँ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 40 प्लस या 50 की अकॉर्डिंग है, और आगे जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है, लोग भी बीच में आके जगह जो है क्रॉसिंग में है, तो क्रॉसिंग में आ रहे हैं बीच में, तो उससे मेरे को ध्यान रखना होगा कि अचानक से कोई बीच में ना आए, इसलिए मैंने स्पीड भी अपने कंट्रोल में रखी है। ये सेंस होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है आप जब ट्रैफिक में हैं अचानक से आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो बिल्कुल स्पीड इंक्रीज़ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते आप, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। हाईवे में नहीं, आप सिटी में हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, आपको कार को कंट्रोल करना होगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ फ्रेंड्स धीरे से, क्योंकि लेफ़्ट टर्न लेना था इसलिए मैं लेफ़्ट लेन में आ गया था। तो अभी देखिए मैं थर्ड गियर भी मूवमेंट कर लिया हूँ क्योंकि 30 प्लस की स्पीड आई थी, आगे स्पेस थी मेरे पास, ये मैं स्लो डाउन कर लूँगा। अभी न्यूट्रल कर लिया है क्योंकि आगे कंप्लीट स्टॉप हो चुका है ट्रैफिक। तो गियर मूवमेंट जो होता है फ्रेंड्स, आप जैसे नोटिस कर रहे हैं गियर मूवमेंट जब हम करते हैं, अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया, गियर मूवमेंट करते वक्त हमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो होती है हमें हमारी कार की स्पीड का ध्यान रखना है, सेकेंड चीज़ होती है आगे ये ट्रैफिक के अकॉर्डिंग फिर हमें स्पीड को ध्यान रखना है। अभी ये ओपन स्पेस होगा, जैसे ये देखिए थोड़ी सी ओपन स्पेस हो गई है, तो हमें अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग हम गियर शिफ्ट करेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, अभी देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया है, अब हमें ट्रैफिक के स्पीड के अकॉर्डिंग हमें गियर शिफ्ट करना होगा। ये देखिए डाउन शिफ्ट सेकेंड गियर करना पड़ा मुझे, क्योंकि कार की स्पीड जो है 20 से थोड़ी सी नीचे थी, तो मेरे को सेकेंड गियर अप्लाई करके ये देखिए कार का मूवमेंट, मैं क्लच रिलीज कर दिया हूँ, कार का मूवमेंट एक्सीलेटर से आराम से कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होती है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा कि हमें गियर शिफ्टिंग जो है, एक तो अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग करनी होती है, सेकंड जो है अपनी
आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ता है या गियर शिफ्ट करना पड़ता है, आगे का ट्रैफिक किस हिसाब से स्पीड मूव हो रहा है। अभी ये देखिए मेरे पास स्पेस इतनी सी है, आराम से मैं ध्यान दूंगा, लेफ्ट और राइट का जजमेंट लूंगा, अपनी कार निकाल लूंगा। ये बस जो है या मेरे लेफ्ट में जो बस चल रही है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो एकदम मेरे कार के पास है, और राइट साइड में जो जितनी स्पेस है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कार की निकाल रहा हूँ। तो स्पेस लेते हुए या जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आराम से मूव कर रहा हूँ। आगे सिग्नल रेड हो चुका है, हम स्टॉप कर लेंगे कार को। तो हल्की सी स्लोप है यहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रेक अप्लाई करके रखनी है। ये देखिए अगर मैं रिलीज कर दूंगा, हल्की सी स्लोप है तो कार मेरी मूव होने लगी है। ये अभी आगे स्पेस क्लियर हो गई है मेरे लिए, सेकंड गियर से थर्ड गियर अप्लाई किया मैंने 2000 आरपीएम में, अब फोर्थ गियर अप्लाई किया, आगे ट्रैफिक भी मूवमेंट ठीक हो गया था और मेरे कार में स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को शिफ्ट भी करना पड़ रहा है। तो अभी देखिए आगे जो जो सिचुएशन अराइज हो रही है फ्रेंड्स, आगे टू व्हीलर आया है तो मेरे को कार की स्पीड देखिए मैं स्लो किया हूँ। कैसे स्लो किया हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज किया एक बार के लिए, 50 की स्पीड थी अपने आप 40 आ गई क्योंकि मैं फोर्थ गियर में हूँ। अब मेरी कार की इंक्रीज कर रहा हूँ मैं स्पीड, 50 प्लस में आ गया हूँ, या स्पीड लिमिट है इसलिए मैं कंट्रोल में रखूंगा अपनी कार को, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं लूंगा और आराम से अपनी कार को मूव करूंगा। फिफ्थ गियर है, क्लच रिलीज कर रखा है, तो ये अप शिफ्ट मैंने, आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे स्पीड आ रही है उस हिसाब से मैं कार को मूवमेंट अपनी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब मैंने स्टॉप किया है, ऑलमोस्ट सेकंड गियर लगाया, फिर से अब मेरे को कंप्लीट स्टॉप, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। जैसे स्पीड आई मेरे कार में, मैंने कार को मैंने पहले कंप्लीट स्टॉप किया, मतलब कंप्लीट स्टॉप किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, कार की स्पीड स्लो आ गई, सेकंड गियर के अकॉर्डिंग आई तो मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया क्योंकि मेरे को लग रहा था थोड़ा सा मूवमेंट आगे हो सकता है उस स्पीड के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने सेकंड गियर अप्लाई करके कार को मूव किया। लेकिन जब लगा कंप्लीट स्टॉप हो रहा है तो मैंने और फिर फर्स्ट गियर लगा लिया, अभी न्यूट्रल कर लिया है, क्लच रिलीज्ड है मेरा, फुट मूवमेंट देख सकते हैं। मैंने न्यूट्रल इसलिए किया है क्योंकि आगे जो था कंप्लीट स्टॉप था, बहुत समय हो रहा था, तो मैंने न्यूट्रल करके अपने फुट को रिलीज कर दिया ताकि मैं स्मूथ रख सकूं या आराम से अपनी कार को, मतलब अपने फुट को आराम दे सकूं थोड़ा सा। आप मेरे फुट मूवमेंट या ड्राइविंग के सिचुएशन देख के अब जज कर सकते हैं कि बड़े आराम से कार को निकाल रहे हैं या बड़े आराम से कार ड्राइव कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स बिलीव मी, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या सीख रहे होते हैं उनसे पूछिए कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ फेस करनी होती है। आप नोटिस करेंगे तो मैं अभी फोर्थ गियर में आ चुका हूँ, फ्लॉलेसली अपनी कार सेकंड थर्ड फोर्थ गियर अप्लाई किया है, अभी मैं 60 प्लस की स्पीड में हूँ, अप्रॉक्स 60 की स्पीड में हूँ। आगे सिग्नल दिख रहा है तो मैं एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया हूँ, ये देखिए। तो मैं स्पीड भी अकॉर्डिंगली अपनी प्रेस, जो स्पीड के अकॉर्डिंग जब गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देखिए अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया, सेकंड गियर में था, फिर न्यूट्रल करके ब्रेक अप्लाई कर ली। तो गियर शिफ्टिंग फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है सिचुएशन या स्पीड के अकॉर्डिंग या अपने ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, आपने इस चीज़ को समझना, जैसे जैसे आप ड्राइव करेंगे फर्स्ट गियर में कौन सी स्पीड में कार होनी चाहिए, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कैसे रखना चाहिए, अपने क्लच मूवमेंट या फुट मूवमेंट कैसा करना चाहिए, ये चीज़ जैसे जैसे आप थोड़ी सी अपने आप में स्किल लाएंगे या ड्राइविंग थोड़ी थोड़ी अपनी ब्रशअप करेंगे या चलाना सीखेंगे, मतलब चलाना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आप ट्रैफिक में इस चीज़ को हैंडल कर सकेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे, आप जब भी इस चीज़ को करें या ड्राइविंग थोड़ी बहुत सीख रहे हैं और जो मेन रोड में या आप कह सकते हैं थोड़े से बिजी लोकेशन में लेके जाएं, तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक्सपर्ट को अपने साथ बैठा लें कि कभी ऐसी पैनिक सिचुएशन या ऐसा कुछ हो जाए कि आप एकदम घबरा जाएं, आपसे गाड़ी नहीं चल पाए, तो आप एटलीस्ट उनके ऊपर हैंडओवर कर देगा कार, अपने स्टीयरिंग उनके ऊपर हैंडओवर कर दें, फिर अपने आप को वापस से अपनी कंट्रोल समझना स्टार्ट करें किसी ओपन स्पेस में ले जाके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।